दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक फिर से आए हैं जो कि हमारे घर से काफी दूर भी पड़ता है। सीवान जिला पड़ेगा, गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिले में ही एक देसी मुर्गी फार्म जहां पे फोरेफ जी मुर्गी का नाम सुने होंगे, जो कि काफी लोग मीट के पर्पज से मतलब उसका बिजनेस करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन यहाँ पे अंडे की पर्पज से जो फोरेफ जी मुर्गी होता है वो पालन हो रहा है। और अभी के बात किया जाए लगभग 700 मुर्गी यहाँ पे डाला गया है। कुछ मुर्गियाँ आप इधर भी देख सकते हैं, नीचे धान की भूसी है, और कुछ मुर्गियाँ जो देख सकते हैं आप इधर भी है, जो कि ये पूरा जो मुर्गी है फोरेफ जी मुर्गी है, और इनको 700 मतलब डाला गया। 5-6 साल से ये फार्मिंग हो रहा है और बहुत ही अच्छा, मतलब एक अंडे की पर्पज से अपने तरफ ये मेन होता है। मार्केटिंग नहीं मिल पाता है जैसे अंडे का हो, या जैसे कि देसी मुर्गी मीट के पर्पज से हो, लेकिन इनका मार्केटिंग सही है अंडे का, तो ये अंडे के पर्पज से कर रहे हैं और अच्छा खासा एक इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। तो आइए आपको फार्मर से मिलाते हैं और देंगे पूरा जानकारी। इसके पहले बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ। आप अपना एक बार नाम बता दीजिए और यहाँ का एड्रेस एक बता दीजिए। मेरा नाम असरार अली है जी। ये जिला गोपालगंज पड़ता है जी। घर सारे ढंडोलिया जी। आप जो ये फार्मिंग जो देसी मुर्गी का है ये आप चलाते हैं, आपके अब्बा मतलब कौन, आपके पापा? मेरे अब्बू चलाते हैं। आपके अब्बू चलाते हैं। लगभग कितने सालों से फार्मिंग कर रहे हैं देसी मुर्गी का? देसी मुर्गी का फार्मिंग हम 3-4 साल से कर रहे हैं। 3-4 साल से कर रहे हैं। इसके पहले किस बिजनेस में थे? इसके पहले वही बॉयलर। अच्छा, बॉयलर के वाले करते थे। अच्छा, बॉयलर। आपका अगर बात किया जाए तो अभी आप फार्म पे हैं और आप क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप पर्सनल। मैं अपना बता दूं, मैं एक इंजीनियर हूँ। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप? डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर। आगे की वो सेफ्टी ऑफिसर की मतलब तैयारी करना है, ठीक है। अगर बात किया जाए जैसे कि ये फोरेफ जी मुर्गी है, जैसे कि आपने बताया, तो फोरेफ जी मुर्गी अंडे की पर्पज से, अंडा इनका सही से निकलता है? जी, इनका अंडा सही से निकलता है। आप हमेशा अंडे की ही पर्पज से सेलिंग करते, मतलब पालन करते हैं? हाँ जी, इसका मैं हमेशा अंडे की पर्पज से पालन करता हूँ। अच्छा, तो अभी ये 700 मुर्गी डाला गया है जी। 700। तो बात किया जाए, आपने कहाँ से चूजा खरीदा था और किस रेट में खरीदा था? मैं 30 रुपए के रेट से खरीदा था। अच्छा, कहाँ से खरीदे थे आप? मोतिहारी से खरीदा हुआ। मोतिहारी से खरीदे थे। अच्छा, मतलब काफी दूर से मंगाना पड़ा? काफी दूर, हमेशा एक दो बार तो पटना से भी मंगाया हूँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं जो पहला लॉट डाला गया था 4FG का ही, जो जिनका अधिकांश मुर्गी जब सेल कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ मुर्गी ही है, 20-25 मुर्गियां हैं, मुर्गी मुर्गी और मिक्स करके जिनको रखा गया है। आप वेट देख सकते हैं कितना बड़ा जो है, मतलब अभी तो ये अंडे नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनका वेट देख लीजिए आप, 3 kg प्लस है, 4-4 kg तक मेरे ख्याल से होना चाहिए, लेकिन 3.5 kg तो आराम से इनका वेट होगा। देखिए आप, कुछ मुर्गी रखा गया है जो अपने पर्सनल यूज के लिए रखा गया है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी मुर्गियां हैं। देखिए काफ़ी वेट भी इनका अच्छा खासा है। जैसे बात किया जाए आपके फार्म का, तो आपके फार्म का एरिया क्या पड़ेगा एक बार इसके बारे में बताइए आप। ये मेरे 107 मीटर है। 107 मीटर लंबा है? हाँ लंबा है। और चौड़ाई की बात किया जाए? ये 6-7 मीटर है। 7 मीटर चौड़ाई है। हाँ। तो ये कितने मुर्गियों के लिए फार्म है? ये मतलब अगर ये मुर्गी के 1200 तक कवरेज कर सकता है। 1200 बड़ी मुर्गियों कवरेज इसमें रह सकती है? इसमें रह सकती है। तभी तो 700 ही मुर्गी डाला गया है जो कि। तो आप ये बताइए कि ये मुर्गी जो है अभी कितना समय हो गया इनको डाले हुए और इनका वेट कितना हो गया है? इनका वेट 3-3.5 ग्राम तक हो गया है। 300-350 ग्राम तक हो गया है। अभी कितना दिन हो गया डाले? अभी ये 20 से 22 दिन हो गया डाले हुए जी। अच्छा, इसके पहले विदेशी मुर्गी ही थे अंडे के पर्पज से ही? जी, अंडे के पर्पज से ही हम लोग डालते हैं। अच्छा, अंडे के पर्पज से ही डालते हैं। तो उसको आप सेल कर दिए? जी, वो सेल हो गए। अंडा जिनका देना बंद हो गया उनको सेल कर दिया? उनको सेल हो गया। अच्छा, और बात की जैसे कि ये कितने दिनों बाद अंडा देने लगती है? ये 5-6 मंथ के बाद अंडा देने लगते हैं। 5-6 मंथ में अंडा देने लगते हैं जी। अभी इनको अगर खाने की बात किया जाए तो क्या क्या दाना आप दे रहे हैं? मैं वही स्टार्टर अभी दे रहा हूँ। अच्छा, स्टार्टर अभी दे रहे हैं? प्री स्टार्टर जो होता है स्टार्टर वो दे रहा हूँ। अच्छा, मुर्गियों के वही दे रहे हैं? और अपने घर का वही मक्के का पीसकर उसमें। अच्छा, मक्के का दर्रा भी मिक्सचर मिला करके। अच्छा, घर का भी दाना मतलब तैयार करके आप देते हैं इसको?
मतलब ये मिक्सचर जो है इसको अभी नहीं दिलाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक मंथ से ज्यादा होते हैं ना, उसके बाद मिक्सचर उसमें दिलाता है, उसमें मिलाया जाता है। पहले जो दाना आता है कंपनी से वो पूरा वही दाना दिलाता है, कंपनी वाला दाना दिलाता है। अच्छा अच्छा, उसके बाद एक महीना बाद, एक महीना की जब मुर्गियां हो जाती है उनके बाद इनको मिला करके मिक्सचर, मक्के की पेस्ट करके उसके बाद मिक्सचर मिला, जी जी, उसके बाद से दिया जाता है, उसके बाद से दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये फोर एफ जी मुर्गी होती है उन्हीं का चूजा है, 20 से 22 दिन इनको डाला हुआ हो गया और नीचे धान की भूसी इनको रखा गया है। अभी ये प्री स्टार्टर पे है और इनकी वेट लगभग 300 से 350 ग्राम तक हो चुकी है। बहुत सालों से ये इसी बिजनेस में है और काफ़ी प्रॉफिटेबल एक बिजनेस भी बताते हैं अंडे के पर्पज से। इनका कोई चूजा सेलिंग या मुर्गी सेलिंग नहीं होता है, ये मुर्गी सेलिंग भी करते हैं मीट के पर्पज से, लेकिन कब जब कि इनका जैसे कि अंडा निकलना बंद हो जाता है तब भी उसके बाद ही करते हैं, उसके पहले ये सिर्फ अंडे का ही। अपने बिहार साइड में काफ़ी लोग बोलते हैं कि अंडा काफ़ी कम बिकता है, जैसे कि मुर्गा नहीं बिकता है, तो ये लोकल में ही बता रहे हैं कि इनका बढ़िया सेलिंग हो जाता है। और इसके बारे में भी जानेंगे क्या रेट में सेल करते हैं और कहाँ कहाँ सेल करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले दिखा दीजिए, आप देख लीजिए कितनी सारी मुर्गियाँ हैं और देखिए काफ़ी शानदार, मतलब बढ़िया लग रहा है देखने में भी, अच्छा खासा आराम से, और नीचे भूसी डाल दिया गया है इनका और फर्स्ट क्लास ये भी मतलब रेस्ट कर रही है। बाहर इनका फ्री रेंज की थोड़ा सा बड़ी मुर्गियाँ हो जाती हैं, 1 kg प्लस हो जाती हैं, इनको बाहर भी निकाला जाता है। अभी तो पूरा कवर किया गया है और बाहर इनका आमों का बगीचा है, उसमें फ्री रेंज भी होता है, उसमें भी इनको खाने के लिए फ्री में मिल जाता है। और ये आमों के बगीचा के बीच में एक फार्म है। तो सर बात किया जाए जैसे कि ये आपकी जो मुर्गी है जी, इसको कहाँ कहाँ सेल करते हैं और क्या रेट में जाता है जो इसका अंडा होता है? ये मतलब मार्केट में जो लोकल में जो अंडे के रेट है उससे 1 रुपया हम लोग सस्ते में देते हैं। अच्छा, होलसेल में? हाँ, लगभग क्या रेट फिर भी चला जाता है? ये कभी 13, कभी 14, कभी 15, कभी 16 ऐसे ही होलसेल में ऐसे बिक जाता है, 15-16 रुपए ऐसे बिक जाता है, ऐसे बिक जाता है। काफी अच्छा तक हद तक अच्छा मतलब बिक जाता है अंडे का, बहुत अच्छे से बिक जाता है। अच्छा अच्छा, उसमें बेचने में कोई दिक्कत इसमें नहीं होती, बेचने में कोई सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। कहाँ कहाँ अपने एरिया में अगर बात की जाए तो कहाँ कहाँ तक आपका अंडा जाता है? मेरा जामो बरौली मतलब लोकल जितना भी मार्केट है आपका, जिधर मार्केट जितना उस एरिया में पूरा चला जाता है, जगह चला जाता आकर के ले जाते हैं या आप सेलिंग करते हैं पहुंचाते हैं ऐसे? आकर के ले जाते, आकर के आपके फार्म से खुद ले जाते हैं, सेलिंग का कोई झंझट नहीं होता है, कोई नहीं। चलिए, और इनको बात कीजिए लगभग ये जब अंडा देना स्टार्ट करती है तो कितना इनका टाइम पीरियड होता है अंडा देने का? 1.5 साल तक ये अंडे देती है, 1.5 साल तक कंटिन्यू अंडे देगी, कंटिन्यू अंडे देगी, और उसके बाद इनको सेल कर दिया जाता है जी। क्या रेट में लोगों की सेल होती है? मतलब 200 रुपए केजी के रेट में ये सेल हो जाती है, होलसेल में 200 रुपए केजी के हिसाब से देसी मुर्गी जो होती है थोड़ा सा मतलब, हाँ ऐसे करके और सेल कर दिया जाता है। एक तो आपका जितना अंडा सा प्रॉफिट निकला अंडा हो गया, और ये थी अच्छा खासा एक मीट के पर्पज से भी सेलिंग हो जाता है, उसके बाद से फिर चूजा डालिए, फिर तैयार करके फिर अपना अंडा सेलिंग करते रहिए। तो ये काफी अच्छा एक बिजनेस के तौर पे लिया जाए तो कैसा बढ़िया है, बहुत बढ़िया, देसी मुर्गी में अच्छा खासा एक इनकम कर सकते हैं आप जी। इसमें आप अच्छे से इनकम कर सकते हैं, बेझिझक ये आप बिजनेस कर सकते, बिजनेस कर सकते हैं। कोई मार्केटिंग का थोड़ा आपको नॉलेज लेना चाहिए, मार्केटिंग कहाँ आपको करना है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए आपको। इसमें मतलब आप इसको एक बार चालू कर दीजिए, अंडा जो है इसको लेने के लिए पहले से एडवांस कुछ, अच्छा अपने पास पहले एडवांस आता है पैसे का? हाँ, कि हमें इतना अंडा चाहिए, हमें इतना अंडा चाहिए, हमें ऐसे फिक्स करके वो पैसा दे देते हैं। ओके ओके, तो फिर तो सेलिंग में बहुत अच्छा है फिर तो। दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? आप देख सकते हैं एक जो सेड है दिखा दें, ये काफी मतलब थोड़ा सा नीचे बात किया जैसे कि 6-7 फीट मेरे ख्याल से होना चाहिए, 7 फीट पे है और काफी गर्मियों का मौसम है, पसीना भी देख रहे हैं जैसे सर का भी पूरा पसीना से हालत खराब हो रहा है, और फैन इसमें लगा नहीं सकते, चूजों के लिए थोड़ा सा गर्मी ही चाहिए, हम भी उसी में हैं और गर्मी काफी हो रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक अच्छा खासा नॉलेज मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। छोटा सा चूजा आप लीजिए, 30 रुपये पर बर्ड के हिसाब से आता है, आप जो भी मतलब बहुत लोग डबल एफ जी का भी पालन करते हैं, बहुत लोग जैसे कि 4 FG का पालन करते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आपके मार्केट में जो अच्छा चूजा मिले वो ले सकते हैं, और पालन करके आप एक अच्छा खासा अंडे के पर्पज से एक बार आप करेंगे, अगर अंडा का पता चल जाए कि हाँ देसी मुर्गी का अंडा यहाँ पे मिलता है तो जी वो ले गया हो खुद आपके पास आएगा। तो मार्केटिंग का एक ही बार पहली बार में ही दिक्कत होता है, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।